नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधा HP मोटर के बारे में। तो दोस्तों इसका मीटर इन हेड क्या होता है, मतलब इसकी जो LPH होती है यानी कि लिफ्ट पावर हावर्स क्या होती है इसकी, मतलब जो हेड के मतलब क्षमता होती है पानी फेंकने की, वो कितनी मतलब कितनी ऊंचाई पर कितनी देर तक कितना पानी फेंकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल मतलब समझ में नहीं आती है वीडियो, तो आप सवाल करके हमसे कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हेड की, यानी कि 6 मीटर पर, यानी कि 6 मीटर आपका लगभग हो जाता है 18 फुट। 18 फुट पे आपका ये 2000 लीटर पानी भरेगी, मतलब एक घंटे के हिसाब से। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे 9 मीटर की, यानी कि 9 मीटर में आपका 1700 लीटर पानी भर देगी एक घंटे में। इसके बाद ना दोस्तों हम बात करेंगे 12 की, 12 मीटर में आपका ये 1450 लीटर पानी भरेगी एक घंटे के आसपास। और इसके बाद दोस्तों 15 मीटर में आपका ये 1250 लीटर पानी भरेगी एक घंटे में। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे 18 मीटर की, 18 मीटर में आपका 1080 लीटर के आसपास पानी भरेगी एक घंटे के हिसाब से। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 21 मीटर की, 21 मीटर में आपका ये 840 लीटर पानी भरेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे 24 मीटर में आपका ये लगभग 600 लीटर पानी भरेगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 28 मीटर की, 28 मीटर में आपका ये 350 लीटर पानी भरेगी। तो दोस्तों जितनी इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट बढ़ती जाएगी लिफ्ट की, मतलब जितना आप ऊंचा चढ़ाओगे उसके हिसाब से इसका पानी का जो मतलब लेवल है वो कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों आधा HP मोटर आपकी 0.37 यानी कि किलोवाट की होती है। तो दोस्तों आपकी जो 1 HP मोटर होती है वो 0.75 KV की यानी कि किलोवाट की होती है, और आधा HP मोटर जो आपकी होती है ये 0.37 किलोवाट की आपकी होती है। तो यहाँ पर इसके लाइफ का काफ़ी डिफरेंस होता है और ये इस तरह पानी भर सकती है। अगर आपको वाटर मतलब आपका 1 या 2 मंजिल का मकान है तो आप आधा HP मोटर लगा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका ऊंचा मतलब बहुत ज़्यादा 3 या 4 या 5 मंजिल है तो वहाँ पर आप 1 HP मोटर लगा सकते हैं। और अगर आपको 1 HP मोटर के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए पानी के हेड की और प्रेशर के लिफ्ट पावर की, तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं 1 HP की मोटर के बारे में भी लिफ्ट पावर की जो वीडियो होती है वो बनाकर दूंगा और डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।